सो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से टैथर कॉइन को, टैथर जो यूएसडीटी कॉइन है, इसको बिल्कुल फ्री में कैसे अर्न कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास $152 पड़ा हुआ है, ठीक है, टैथर का। अदरवाइज यहाँ पर मेरे पास ट्रस्ट फंड भी पड़ा हुआ है $1.1। तो इसको बिल्कुल फ्री में किस तरीके से हम अर्न करेंगे आज मैं आपको बताऊँगा। तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट तक देखते रहना, तभी आप यहाँ से अच्छी अर्निंग यानी कि कर सकोगे। तो चलें जी स्टार्ट करें। तो गाइस आज मैं जो है ना आपको सिंपल से फॉसेट वेबसाइट्स का बताने वाला हूँ, यानी कि फॉसेट क्लेम वेबसाइट्स हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले एक अकाउंट की जरूरत होगी जिसका नाम है fawcettbay.io, ठीक है। इसका अकाउंट कैसे बनाते हैं मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप इस वीडियो को देख लेना। उसके अंदर मैंने डिटेल से बताया हुआ है कि किस तरीके से अकाउंट बनाना, 3 से 5 मिनट के अंदर पाकिस्तान में आप इसका अकाउंट बना लोगे और इंडिया में भी चाहे आप रहते हो। तो गैस जब आपका अकाउंट बन जाएगा उसके बाद यहाँ पर आपको सारे कॉइन्स देखने को मिल जाएंगे क्रिप्टो करेंसी के तकरीबन, ठीक है, जो मेन है। यहाँ पर देखिए जी टैथर TRC20 आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ से आप फिर जहाँ मर्जी सेंड कर सकते हो, यहाँ पर आप इसको अर्न करोगे यानी कि बिल्कुल फ्री में क्लेम करोगे। तो जैसा कि फॉसेट पे के अंदर भी मेरे यहाँ पर 11.29 यहाँ पर USDT टेथर पड़े हुए हैं। तो इसको बिल्कुल फ्री में अर्न करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ऊपर आने के बाद यहाँ पर डिपॉजिट पे क्लिक कर देना है। आपको डिपॉजिट का आइकन नजर आ रहा है तो इस पे क्लिक करने के बाद नीचे आ जाना। आपको यहाँ पर लास्ट से ऊपर वाला कॉइन मिल जाएगा या फिर उससे ऊपर वाला टेथर TRC20 यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर नीचे आपको इसका एक एड्रेस यानी कि बना सा नजर आता है, आपने इस पर क्लिक कर देना है या फिर इस पर क्लिक करके इसको यानी सिलेक्ट डाल करके कॉपी कर लेना है। तो जब आप यहाँ पर इसको कॉपी कर लोगे, कॉपी करने के बाद दोबारा नीचे आने के बाद आपको ऊपर ओवरव्यू पे क्लिक कर देना है। फॉसेट पे का वेबसाइट यानी कि अकाउंट कैसे बनाते हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दिया, आपने उसको कंप्लीट से वॉच कर लेना है और आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। जिनका बना हुआ है उनकी अच्छी बात है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मैं लाइव अर्न करके दिखा देता हूँ और क्या करना है वो भी आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक यानी कि क्रोम ब्राउजर हर मोबाइल में होता है, आपको अपने क्रोम ब्राउजर में आ जाना है। क्रोम ब्राउजर में आने के बाद सिंपल से आपको एक न्यू टैब बना लेना है। न्यू टैब बनाने के बाद जहाँ पर अगर आपके पास क्रोम ब्राउजर नहीं है तो कोई भी ब्राउजर होगा आपने उसको ओपन कर लेना और यहाँ पर आपको एक चीज़ सर्च, यहाँ पर मैं आपको जूम करके भी दिखा रहा हूँ, आपको ये चीज़ यहाँ पर सर्च कर लेनी है, आसमा न्यूज़, ठीक है, ASMA आसमा, उसके बाद NEWS न्यूज़। ये दो लफ्ज़ आपको सिर्फ गूगल पर मिला के साथ यानी कि सर्च कर देने हैं। तो जैसे ही आप गूगल पर इसको सर्च करोगे जो रिजल्ट आएगा नीचे लिखने करने के बाद यहाँ पर मेरे चैनल का नेम लिखा होगा, अदरवाइज दूसरे तीसरे नंबर पर आपको यहाँ पर अगर पहले भी मिलता तो पहले पे, ठीक है, नहीं तो दूसरे तीसरे नंबर पर ये मिल जाएगा। asmanews.net के नाम से होगा, ऊपर भी आपने यहाँ पर पढ़ लेना गौर से, ठीक है, आपने इसी वाले को ओपन कर लेना है। यहाँ पर ये भी आप देख लो asmanews.net होगा। तो गाइस जैसे ही आप इसको ओपन कर लोगे ना उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस अगेन से आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आने के बाद अब दोबारा आपको यहाँ पर मेन मेन्यू का ऑप्शन नजर आ रहा है और यहाँ पर सर्च का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपको सर्च पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको एक और सर्च का ऑप्शन नजर आ रहा है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ सर्च कर लेनी है बस, गैस यहाँ पर आपको बस USDT लिख लेना है, ठीक है, जो चीज़ हम अर्न करने वाले हैं ना सिर्फ वो यहाँ पर लिख लेना USDT। लिखने के बाद साइड पर सर्च का ऑप्शन आ पड़ा, सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। USDT लिखने के बाद सर्च पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो सर्च रिजल्ट फॉर यानी कि USDT आएगा ना, यानी कि जो सर्च किया उसका रिजल्ट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। नीचे करने के बाद यहाँ पर ये वाली पिक्चर आपको बनी नजर आ जाएगी, अर्न फ्री USDT क्लेम USDT, ठीक है, इंस्टेंट। आपको इस वाली पिक्चर पे क्लिक कर देना है। सिर्फ इस पे क्लिक करने के बाद अब आपको उसको थोड़ा सा नीचे कर लेना है, नीचे कर लेना है, यहाँ पर ये वाला आर्टिकल आपको मिल जाएगा। यहाँ पर अब आपको क्या करना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट रुक जाना है, यानी कि सिर्फ 2 से 3 मिनट रुकना है और इसको पूरा पढ़ लेना है, सिर्फ पूरा रीड कर लेना है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ना इसको आपने सिर्फ पढ़ना है, थोड़ा सा रीड करना है। तो अब आपको करना क्या है, नीचे करने के बाद यहाँ पर फॉसेट वीडियो एक मिल जाएगी। अगर आपका फॉसेट पे का अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपने फॉसेट पे वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ये आपको डायरेक्टली यूट्यूब पे ले जाएगा। वहाँ जाके आपने फॉसेट पे की वीडियो देख के यहाँ पर फॉसेट पे का अकाउंट बना लेना है और अकाउंट बनाने के बाद मैंने आपको बताया आपने क्या करना है, डिपॉजिट पे क्लिक करके USDT का एड्रेस कॉपी कर लेना है। अब नीचे करने के बाद इसी आर्टिकल के थोड़ा सा आप देखोगे यहाँ पर ज्वाइनिंग लिंक्स नजर आएगा, 1, 2, 3, 4, 5 दिए हैं फिलहाल मैंने यहाँ पर, अगर हो सके तो मैं ज़्यादा भी दे दूँगा। आपको क्या करना है, इनमें से किसी भी लिंक पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, लाजमी जो मैं बोलूँ आप वही कर सकते हो, सारे फ्री में अर्निंग वाले ऑप्शन है। तो सबसे पहले जैसे आप लास्ट पे क्लिक कर लो, फर्स्ट पे क्लिक कर लो, जिन पे भी क्लिक कर लो, जैसे कि मैं लास्ट पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो लास्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर करना पता क्या, जो हमने वहाँ से एड्रेस कॉपी किया, अब यहाँ पर आप देखो जो नीचे करने के बाद देखेंगे ना हम यहाँ पर USDT का ये बैलेंस है इनके पास, और यहाँ से हम तकरीबन 3 मिनट बाद 2500 सटोशी जो है क्लेम कर सकते हैं और 10 क्लेम डेली कर सकते हैं। और इससे भी अच्छे अर्निंग का ऑप्शन मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहें। सबसे पहले आपको ये कैप्चा सॉल्व कर लेना है, ठीक है, कैप्चा सॉल्व कर लेना है, इसका नाम एच कैप्चा है तो ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है सॉल्व करना। तो यहाँ पर आप देखिए जी कैप्चे आपके पास जो भी मांगते हैं, जैसे कि मेरे पास ऊपर देखिए जी बोट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मुझे जहाँ जहाँ बोट्स नजर आएंगे ना यानी कि बोट्स नजर आएंगी तो मैं वहाँ वहाँ सेलेक्ट कर लूँगा। एग्जाम्पल के लिए ये बोट थी, ये भी बोट थी आई थिंक, देन ये भी आई मुझे बोट लग रहा है, इसको मैं जूम करके देख लेता हूँ, बोट नहीं है तो मैं इसको यहाँ पर हटा देता हूँ, उसके बाद नीचे नेक्स्ट कर देता हूँ। इतना करने के बाद दोबारा से आपको यहाँ पर ऊपर बोट्स लिखा नजर आ रहा है, आपको बोट सेलेक्ट कर लेना है, ये बोट है, ये बोट है, देन ये भी बोट लग रही है मुझे और ये तीन ही है
सिर्फ लग रही है मुझे, ठीक है। उसके बाद नीचे वेरीफाई का ऑप्शन है, तो आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका कैप्चा सॉल्व हो चुका है। ऊपर यहाँ पर ये जो ऑप्शन देख रहे हो आप, यहाँ पर आपको जो एड्रेस आपने कॉपी किया वो पेस्ट कर देना है। यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके रखना है, उसके बाद ये पेस्ट कर देना, आपका एड्रेस पेस्ट हो गया। नीचे आने के बाद ये होता है जी एंटी लॉक कैप्चा। यहाँ पर पहले 5 है तो यहाँ पर 5 देख लेते हैं, कहाँ पर ये 5 आ चुके हैं, यानी कि मैथ के वर्ड्स आपको सेलेक्ट कर लेने हैं। देन यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 8 देख लेना है, उसके बाद 2 है तो 2 देख लेना है, 3 है तो 3 देख लेना है। मेरे पास यहाँ पर चेंज आया, आपके पास चेंज किस्म का कैप्चा भी आ सकता है, आपको यहाँ पर ये कैप्चा सॉल्व कर लेना है। अगर आपके पास कैप्चा सही नहीं है तो आप उसको वेबसाइट को दोबारा से रिफ्रेश करो, आपके पास कैप्चा चेंज आ जाएगा। नहीं तो यहाँ पर आप ये वाला कैप्चा भी सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व मीडिया वाला, इस पर क्लिक करो, आप ये वाले कैप्चे को सॉल्व कर सकते हो। ये सब करने के बाद आपको सिर्फ सिंपल से गेट रिवार्ड पर क्लिक कर लेना है। इतना करने के बाद ना, गेट रिवार्ड पर क्लिक करने के बाद आप नीचे करके देखो, यहाँ पर आप पढ़ो जी 25,000 सतोशी वाज सेंड टू योर ऑन फॉसेट पे अकाउंट। अब मैं क्या करता हूँ, अपने फॉसेट पे में जाकर देखता हूँ मुझे यहाँ पर कोई सतोशी रिसीव हुआ है। तो गाइस यहाँ पर मैंने अपने फॉसेट पे को रिफ्रेश कर लिया, ठीक है। अभी मैंने आपके सामने क्लेम किया था, तो नीचे करने के बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ मेरे पास ट्रोन यहाँ पर जो है इंक्रीज हुआ है। नहीं, मैं आपको नीचे, अब यहाँ पर नीचे आने के बाद देखिए जी, गेट फ्री ट्रोन की तरफ से मुझे 25,000 सतोशीज लास्ट टाइम यहाँ पर रिसीव्ड फ्रॉम, यानी कि रिसीव हुए हैं। तो ये जो 0.000 25,000 सतोशी हैं, ठीक है, 0.000 के बाद अमाउंट शुरू होती है। तो यहाँ पर मेरी वीडियो को आप पीछे करके देख सकते हो, मेरे पास 0.11.000 से पीछे पीछे कम होंगे ट्रोन, ठीक है। अब यहाँ पर ये ज़्यादा हो चुके हैं। तो यहाँ इस तरीके से यहाँ पर आपको ट्रोन को बिल्कुल फ्री में कमा लेना है। अब यहाँ पर दोबारा आपको क्या करना है, दोबारा आपको एक न्यू टैब बना लेना, यहाँ पर सर्च कर लेना आसमान न्यूज़। तो आसमान न्यूज़ सर्च करने के बाद मैंने जैसा को आपको बताया, आपने अगेन से यहाँ पर सर्च कर लेना, ठीक है। सर्च करने के बाद नीचे करने के बाद यहाँ पर आपको दोबारा से ज्वाइनिंग लिंक्स पर आ जाना है, और जहाँ पर आप कोई और लिंक ज्वाइन कर सकते हो। एग्जांपल के लिए अब आप यहाँ पर पहला देख लेते हैं, पहले मैंने लास्ट वाला देखा था, तो अब यहाँ पर मैं पहला देख लेता हूँ। इस तरीके से बीच में भी आप कोई भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, जैसे ही ओपन होती है मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके ऊपर अर्निंग के क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कुछ आपको इस तरह का मिलेगा, देखिए जी यहाँ पर अगर आपके सामने ये ऐड है, यहाँ पर आपको कट पर क्लिक कर कट पे क्लिक कर लेते हैं, ये हमारा ऐड कट हो चुका है। नीचे करने के बाद यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मेरा पहले से लॉगिन हुआ पड़ा है, मैं इसको बैक करके आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से। सॉरी, यहाँ पर मैं दोबारा से लिंक पे क्लिक कर लेता हूँ। दरअसल मेरा जो एड्रेस है ना, वो यहाँ पर ऑलरेडी लॉगिन हुआ है, तो मैं उसको यहाँ से कट कर लेता हूँ और आपको शुरू से करके दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ से अर्निंग करनी, क्योंकि मैं पहले यहाँ से क्लेम कर चुका हूँ। तो यार ये भी सेम बस उसी के तरीके से है, यहाँ पर जैसे आप इस पर आओगे ना, नीचे करने के बाद या फिर ऊपर करने के बाद, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर करने के बाद ना, यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि यहाँ पर आप अपना एड्रेस पेस्ट करो, आपने एड्रेस पेस्ट करना है, उसके बाद कंटिन्यू कर लेना है। आपका ये जो है फिर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा लॉग्ड इन एज, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको अगेन से कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। अगर ऐड पे क्लिक हो तो बैक कर देना है। यहाँ पर वाला कैप्चा सॉल्व करना है, ये आई एम नॉट रोबोट वाला कैप्चा स्पेंडली है, तो यहाँ पर स्पेंडली से मिलता जुलता वर्ड ढूंढ लेना, जैसे कि स्पेंडली, इस पर क्लिक कर देता हूँ। देन यहाँ पर ये डार्क, यानी कि क्या है, ये डार्कन है, तो आपको डार्कन से मिलता जुलता लफ्ज ढूंढ लेना, जैसे कि ये डार्कन आठ क्या है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रेयर है, तो यहाँ पर नीचे के बाद ये रेयर का, यानी कि इस तरीके से मिलते जुलते लफ्ज आपको सेलेक्ट कर लेने हैं, आई एम नॉट रोबोट वाला कैप्चा सॉल्व कर लेना है। ये सब करने के बाद इतना आपको उस पर करना है बस, उसके बाद नीचे वेरीफाई का ऑप्शन, आपको वेरीफाई कर लेना है। ये भी कैप्चा कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, यहाँ पर आप आके इसको देख सकते हो। तो वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद अब आपके सामने एक शॉर्ट लिंक आएगा, उसको आपको कंप्लीट कर लेना है, और सेम इसी तरीके से आपके फॉसेट पे में आपके सतोशी बिल्कुल फ्री में सेंड कर दिए जाएंगे। इस तरह आप सतोशियों को अर्न कर करके अच्छी इनकम यहाँ से, यानी कि जनरेट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं इतना भी नहीं कहता कि आप एक दिन में $10 कमा लोगे, $15 कमा लोगे, इससे इतनी, यानी कि इतनी आसानी से इनकम निकालना कोई आसान काम नहीं है। तो यहाँ पर आपको सब्र से काम लेना होगा, यानी कि डेली के अगर आप फ्री हैं तो बस थोड़े बहुत क्लेम कर लिया, और यहाँ पर ज़्यादा इसको सीरियस नहीं लिया। अगर आप सीरियस लेना ही चाहते हो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करना ही चाहते हो, तो आपको एक ऑप्शन को पकड़ना होगा, ठीक है। वो क्या ऑप्शन है मैं आपको बता देता हूँ। आपको दोबारा किसी वेबसाइट में आ जाना है, उसके बाद सबसे नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद जहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ना आपका रेफरल लिंक मिलता है, आप अपने दोस्तों के साथ रेफरल लिंक शेयर करें, आपकी पूरी टीम बन जाएगी, वो जैसे जैसे काम करती जाएगी फ्री में डेली के आप $2 से $3 कमाते जाओगे। तो इस तरीके से बस ज़्यादा अर्निंग करने का ऑप्शन ये है। और उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अल्लाह।